this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so so let me have the short recap of 4 against 2020 stocks levels first level was uh, i have given to you is godrej agaro इन विच आई हैव टोल्ड यू टू बाई इट एट फोर सेवनटी टू एंड शॉर्ट सेल इट एट फोर सिक्सटी एट नाउ वी विल सी इन चार्ट सो गोदरेजारों को मैंने जब आपको कहा था कि फोर सिक्सटी एट पर आपको इसको तो शॉर्ट सेल करना है तो ये फर्स्ट टारगेट था हमारा ये वाला और सेकेंड टारगेट था हमारा ये वाला थर्ड टारगेट से काफ़ी ऊपर ही रह गया ये फोर सिक्सटी uh, कवर नहीं कर पाया बट फर्स्ट और सेकेंड टारगेट इसने इजिली कवर कर लिया वहीं अगर मैं बात करूं भारत फोर्क की तो मैंने इसे बाय करने के लिए बोला था 387 पे और शॉर्ट सेलिंग के लिए बोला था 383 पे देख लेते हैं इसे चार्ट में भी देख लेते हैं भारत फोर्क की हम बात कर रहे थे तो भारत फोर्क देखिए ये हमारी बाइंग प्राइस थी भारत फोर्ट की ये थी हमारा पहला टारगेट प्राइस सेकंड टारगेट प्राइस और थर्ड टारगेट प्राइस तो हालांकि गैप अप ओपन हुआ था गैप अप होने के बाद इसने अपना गैप फिल किया ये दोबारा से ऊपर गया था लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा जब तक ये होल्ड ना ले तब तक आप इसे बाय या शॉर्ट सेल नहीं करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे भी आप करेंगे तो ये देख लेंगे ये कॉमन लाइन में आ रहा है ये सीधी लाइन में अगर मैं इसे स्ट्रेट कर लूँगा ये कॉमन लाइन में आ रहा है बट जो मैंने कहा है मैं उस पर चलूंगा यहाँ पे इजीली आपको टाइम मिल गया था बाय करने का और आपने इजिली टारगेट्स हमारे सारे अचीव हो गए थे अब बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल के टेलीग्राम चैनल में जो कॉल्स देती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ मॉर्निंग में अगर आप भी ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम एज आई टोल आई विल गिव टू स्टॉक्स फर्स्ट इज चोला फाइनेंस इसे में हमने आपको बाय करने के लिए बोला था 202 पे और शॉर्ट सेलिंग के लिए बोला था 200 पे और वहीं हमने नेक्स्ट स्टॉक जो दिया था आपको माइंड ट्री दिया था जिसे हमने बाय करने के लिए बोला था 1131 पे और शॉर्ट सेलिंग के लिए बोला था 1125 पे तो आइए इसे चार्ट में देख लेते हैं चोला फाइनेंस की मैं बात करूँ चोला फाइनेंस देखिए हमारा जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस था पहले तो ये गैप अप ओपन हुआ था गैप अप ओपन होने के बाद इसने अपना गैप फिल किया उसके बाद एक साथ ही डाउन ट्रेंड में इसने अपना शॉर्ट जो हमने शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल दिया था आपको टू का इसने ब्रेक किया था टू का लेवल जब इसने ब्रेक किया तो इसने वन नाइनटी नाइन फर्स्ट टारगेट प्राइस हमारा इजीली अचीव कर लिया था उसके बाद ये हल्का सा ऊपर बढ़ा इसने हमारा बाइंग प्राइस का ट्रिगर किया और स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ पे आके इसने कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हिट किया पहली बार में दूसरी बार में जब हमारी बाइक की कॉल लगी तो फर्स्ट और सेकंड टारगेट इसने ईजिली अचीव कर लिए थे तो अगर आपने पहली बार के अलावा दूसरी बार में नहीं ली होगी बाइक की कॉल तो आपको लॉस हो सकता था बट ओवरऑल इसमें हम प्रॉफिट में ही रहे जैसे कि मैं कहता ही हूँ कि अगर पहली बार में स्टॉप लॉस हिट हो तो दूसरी बार आप वो कॉल पिक कर सकते हैं तो उसी का नतीजा है कि ये हो सकता है तो देखिए अगला स्टॉक था हमारा माइंड ट्री अगर माइंड ट्री की मैं बात करूँ बाई साइड का लेवल अभी मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ बाई साइड का लेवल जो था यहाँ पर ब्रेक हुआ था बाई साइड के लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट प्राइस सेकंड टारगेट प्राइस थर्ड टारगेट प्राइस इजीली हमारे अचीव हो गए थे शॉर्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो ये थे हमारे शॉर्ट सेलिंग के लेवल यहाँ पे हमारा शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेक हुआ था लेवल ब्रेक होने के बाद देखिए फर्स्ट टारगेट प्राइस सेकंड टारगेट प्राइस थर्ड टारगेट प्राइस के बाद भी आपको काफी अच्छा है प्रॉफिट दे गया तो फर्स्ट टारगेट प्राइस मैं स्मॉल इसीलिए रखता हूँ कि आपका जो फर्स्ट टारगेट प्राइस है उसमें आप क्या करें एक प्रॉफिट कवर कर लें फिर प्रॉफिट कवर करने के बाद आप मार्केट को अंदाजा ले सकें कि मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या कब ट्रेंड चेंज हुआ और कब नहीं हुआ ऐसे में क्या होता है प्रॉफिट भी कमाएंगे प्लस आप जो है एक्सपीरियंस लेंगे मार्केट से तो तो चलिए अब ये तो हुई बात हमारे जो हमने फ्री जो आपको यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पे कॉल दी थी अब हम बात कर लेते हैं हमारे पेड क्लाइंट्स की कॉल जो हमारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमारा प्लान सब्सक्राइब किया उनको जो हमने कॉल दी थी उन्होंने कैसे प्रीफॉर्म किया एक जल्दी से मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूंगा फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि फाइव अगस्त टू के लिए कौन से स्टॉक्स बेटर रहेंगे की कॉल की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं आप अपने सामने हमारा जिस स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ कोई भी प्लस आ, हुआ क्या एक्चुअल में आ, हमारा जो दो स्टॉक थे यू और के वो उनका गैप अप ओपन होने के बाद इन्होंने अपना गैप फिल नहीं कर पाया बाकी सब हमारे इसलिए टारगेट अचीव हो गए थे अब मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको इनको क्रॉस चेक करना है इनके लेवल्स क्या थे और इनको कैसे ये जो मैंने आपको बताया कैसे कैसे टारगेट अचीव हुई है एग्जैक्टली हुए कि नहीं तो इसका चीज़ मैं बता देता हूँ तो ये आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं बाकी अगर मैं बात करूँ फाइव अगस्त 2020 की कॉल्स का तो देखिए पहले स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो है एक्सिस बैंक इसकी क्लोजिंग एन में दिखा रहा है फोर का। बाय साइड का लेवल थोड़ा जल्दी आ रहा है आपको क्विक होना पड़ेगा साइड का लेवल ब्रेकआउट होगा फोर थर्टी वन का अब लेवल ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है देखिए लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे इसे बाय नहीं करेंगे लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा फोर थर्टी वन फॉर सॉरी फोर थर्टी पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे टारगेट का फर्स्ट टारगेट प्राइस छोटा रहेगा एज यूजल छोटा इसलिए रहेगा ताकि देखिए फर्स्ट टारगेट प्राइस आप जितना भी शेयर आपने लगाया आपके शेयर के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉफिट आप अर्न कर लें उसके बाद आप अब क्या करें फर्स्ट टारगेट प्राइस पर अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करें स्टॉप लॉस शिफ्ट करने के बाद आप सेकंड और थर्ड टारगेट प्राइस का वेट करें कि वो अचीव होता है क्या मार्केट में एक्चुअल में हो रहा है फर्स्ट और जो सेकेंड और थर्ड टारगेट प्राइस जब तक माया जो ये एक्सिस बैंक का स्टॉक है वो फर्स्ट सॉरी सेकंड और, और थर्ड टारगेट प्राइस तक पहुंचता है तो कैसी कैसी इसमें मूवमेंट दिखाने को मिलेगी तो चीज़ आप नोट करेंगे तभी आपको आगे जाकर एक्सपीरियंस होता रहेगा और आप अच्छे ट्रेडर बनते रहेंगे लॉस रहेगा आपका फोर का शॉर्ट सेलिंग की बात करूँ शॉर्ट सेलिंग का लेवल बन रहा है इसका फोर ट्वेंटी सिक्स का फोर ट्वेंटी सिक्स का लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा फोर ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन जीरो जब ये हो जाएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल कर लेंगे टारगेट प्राइस रहेगा आपका फोर ट्वेंटी फाइव का एज यूजल पहला टारगेट प्राइस छोटा दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा फोर ट्वेंटी और थर्ड टारगेट प्राइस जाएगा फोर ट्वेंटी का स्टॉप लॉस रहेगा आपका फोर ट्वेंटी नाइन का और देखिए स्टॉप लॉस को क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस जैसे फोर ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगा ये ऊपर बढ़ने लगेगा फोर ट्वेंटी नाइन से तब आप इसे टारगेट से बाहर आएंगे यानी कि स्टॉप लॉस आप पुट करेंगे फोर ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन जीरो या वन फाइव ऐसा कुछ फोर ट्वेंटी नाइन एक्जैक्ट नहीं रखेंगे और टारगेट प्राइस सॉरी और साइड का स्टॉप लॉस भी आप फोर ट्वेंटी सेवन एक्जैक्ट नहीं रखेंगे आप रखेंगे फोर ट्वेंटी सिक्स पॉइंट समथिंग फोर ट्वेंटी स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा छोटा होगा फोर ट्वेंटी नाइन जीरो अप्रॉक्स कुछ रखेंगे देखिए ये इसलिए रखेंगे क्योंकि इस लेवल तक ये स्टॉक आ सकता है स्टॉप लॉस का जो है लेवल तक आ सकता है बट क्या पता है ये लेवल वो ब्रेक ना करे बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है कि फोर ट्वेंटी सेवन मान लीजिए कल बायर ट्वेंटी थर्टी और स्टॉप लॉस आया फोर ट्वेंटी सेवन पे और फोर ट्वेंटी सेवन से नीचे नहीं आया फोर ट्वेंटी सेवन इसने टच किया और दोबारा वापस गया तो ऐसे में आप लोग को ज्यादा लॉस ना इसलिए फोर ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन जीरो और शॉर्ट सेलिंग का लेवल फोर ट्वेंटी पॉइंट वन जीरो ऐसे रखेंगे अगला स्टॉक है हमारा बी जिसको आप बाय करके चलेंगे सिक्स सिक्स वन पे रहेगा सिक्स सिक्स तो टू पॉइंट फाइव जीरो का फर्स्ट अगर प्राइज एज यूज छोटा दूसरा सिक्स 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 का थर्ड अगर पे रखेंगे सिक्स का का स्टॉपलस रहेगा फाइव सिक्स फिफ्टी सेवन का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी इसकी फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स की टारगेट प्राइस रहेगा सिक्स फिफ्टी फाइव सिक्स फिफ्टी टू सिक्स फोर्टी नाइन का एज यूजल एक्सपीरियंस ट्रेडर फर्स्ट टारगेट प्राइस पे स्टॉप लॉस पुट करके सेकंड और थर्ड का देखेंगे और जो बिगनियर है यानी कि शुरुआत कर रहे हैं वो फर्स्ट टारगेट प्राइस पर ही निकलेंगे स्टॉप लॉस रहेगा जीरो का याद रखेंगे देखिए पहली बार में टारगेट अचीव होता है दूसरी बार वो कॉल नहीं लेंगे बट पहली बार में टारगेट अचीव नहीं होता तो दूसरी बार वो कॉल आप ले सकते हैं और एक और चीज मैं आपको बता दू कि गिरते मार्केट में आप बाई नहीं करेंगे और बढ़ते मार्केट में आप शॉर्ट सेल नहीं करेंगे आप वेट करेंगे हल्का सा होल्ड लेने देंगे स्टॉक को कहीं भी आपके बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में हल्का सा स्टॉक और फिर आपकी बाइंग की तरफ बढ़े या शॉर्ट सेलिंग की तरफ बढ़े तब आप बाय और शॉर्ट सेल कर सकते हो ईजीली रैंडमली मोशन में अगर उसने ब्रेक किया मान लीजिए गैप ऑफ ओपन हुआ गैप ऑफ ओपन होने के बाद स्टॉक नीचे आ रहा है उसके बाद रैंडमली उसने ऊपर जाते हुए बाई का लेवल ब्रेकआउट कर दिया तो ऐसे में आप बाय नहीं करेंगे जब तक वो बीच में होल्ड नहीं लेगा थोड़ा सा थर्टी सेकंड या फिर एक मिनट का होल्ड नहीं लेगा तब तक तो आप उसे बाई या शॉर्ट सेल नहीं करेंगे अब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा आप हमारी वेबसाइट में विजिट मार सकते हैं कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप उनसे क्वेरी कर सकते हैं आपको प्लान खरीदना तो भी आप आपसे जो भी आपके प्लान की डिटेल चाहिए होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्लान आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे हमारी वेबसाइट में जाकर उसके बाद भी मुझे कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा अगर आपको व्हाट्सएप में कॉल चाहिए अगर आपको सॉरी वेबसाइट में ही चाहिए तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी रोज अर्ली इन द मॉर्निंग आप चेक कर लीजिएगा तो अंत में बस यही बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद है आपको कुछ पसंद आया होगा कुछ सीखने को मिला होगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा और आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ